सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज हम देखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे ट्रांसलेशनल सिमेट्री। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। इफ लैग्रैंजियन अनचेंज अंडर रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक दैट सो एक्स डैश इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश इन द ट्रांसफॉर्म टू दी ऑफ द कॉस पाई साइन फाई एंड दिस इज वन सॉरी जीरो साइन फाई कॉस फाई दिस इज जीरो 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 एंड दिस इज वन एंड द मैट्रिक्स इज कंप्लीटेड एंड सिमेट्री ऑफ एक्स वाई जेड देन We can say that the symmetry is a rotational symmetry. Okay, a rotational symmetry. इसको हम बोलते हैं rotational symmetry. ये प्रकार का और ये टाइप का जो transformation होगा, so इसको बोलते हैं rotational symmetry. तो उसकी figure देख लेते हैं. Figure, हाँ. So this is x and this is y. This is y dash and the angle of x dash. Angle between x dash and x denoted by theta. So हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के जरिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. ओके, एग्जाम्पल लीजिए. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं हम लैग्रैंजियन का. सो लैग्रैंजियन इक्वल्स टू वन हाफ यम कोऑर्डिनेट के अपने एक डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वन हाफ. दिस इज अ रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स यूज करिए आप. पोटेंशियल एनर्जी वन हाफ के एक्स वन डॉट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स डॉट नहीं आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बिल्कुल. ओके, सो हम ये हमारा कंप्लीट लैंग्वेज है. सो हमने ये रिलेटिविस्टिक के फॉर्मेट में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी को. सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सो ये थे लैंग्वेज के जनरलाइज कोऑर्डिनेट और उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया. सो एल डैश हम देंगे एल डैश इक्वल्स टू वन हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वन हाफ के. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स डॉट स्क्वायर एक्स डैश ऑफ स्क्वायर प्लस वाई डैश ऑफ स्क्वायर. ओके, सो एक्स डॉट डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश डॉट स्क्वायर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर. सो एल इक्वल्स टू एल पूरा लैंग्वेज ही लिखिए वन हाफ यम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस वन हाफ. सो रिलेटिविस्टिक कोऑर्डिनेट डालिए के. सो एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर सो एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर and so l equals to l dash l equals to l dash के बराबर आना चाहिए तभी rotational symmetry follow करेगा. okay, so
bar is cyclic. Then rotational symmetry. This is a rotational symmetry. Okay, rotational symmetry. इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल सिमेट्री. ओके, फाई साइक्लिक है, फाई इज अ इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, तो हमने फाई साइक्लिक लिखा है. सो नोट, आप ये पॉइंट जो है आप रिमेंबर रखिएगा, याद रखिएगा. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है यार, पॉइंट है जो आपको याद रखने. ओके, सो इफ क्यू डॉट इज इफ क्यू डॉट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स लाइक दैट theta phi z is constant of motion, constant of motion, and this fact also called isotropy of free space. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा और ये ध्यान में रखिएगा. ओके, सो रोटेशनल सिमेट्री में जो है जो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, सो एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट के लिए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट, ये जब ये टर्म जो है कहाँ भी दिखे ना, रोटेशनल सिमेट्री के अंडर एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व क्वान्टिटी हो जाएगी आपकी. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो. तो नेक्स्ट हम देखेंगे, सो कंजर्वेटिव क्वांटिटी हम देखेंगे. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसलेशनल सिमेट्री और इस लेक्चर में पढ़ा है हमने रोटेशनल सिमेट्री, तो उनको उस टॉपिक को जोड़ के हम जो कंजर्व क्वांटिटी होती है वो आगे हम देखने वाले. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऐसे ही हमारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने शेयर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. So, thank you.